लेकिन गजब वाली बात है, यहाँ का माँ बाप बच्चा को पैसा मिलता है पढ़ने के लिए और माँ बाप खरीदते सोना और चांदी ताकि हमारे बेटी को दान दे देंगे। गजब वाली बात है। मतलब अगर कोनो भी स्कॉलरशिप मिल गया कि भाई अगर मंथली वाला स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों को जो 6, 7, 8, 9 पढ़ता है, बच्चों को पौष्टिक आहार दीजिए। साइंस कहता है कि महिलाएं जो है वीकनेस होता है बॉयज से, किसमें फिजिकली सेहत में, ठीक है, उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, तो गवर्नमेंट उनको पौष्टिक आहार देता है कि भाई बच्चा खाए पिए पैसा दे करके उनको जो देखभाल कीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, माँ बाप चांदी का सिक्का लेगा और सोना लेगा बनाने जाएगा, ठीक है ना, और दिया 10-15 हजार मतलब बेटी का खर्चा मत करी 10 हजार और 15-25 हजार आधा पर सोना है। अरे काम मिला जुला के ब्याह करने वाला अब काम हो गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कन्हैया का मतलब क्या होता है, उत्थान का मतलब क्या होता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ आपको जानना पड़ेगा सर, सवाल है कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो महिला का मतलब तो लेडीज औरतें होती है, सशक्तिकरण का मतलब होता है ताकतवर बनाना, उसको सक्षम बनाना, क्या होता है। तो पहली बात तो यह है कि आजकल जो गवर्नमेंट जो है तरह तरह की योजनाएं दे रही है किसको, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए कार्य कर। जैसे अगर बात की जाए कन्या उत्थान योजना, आज गवर्नमेंट जो है कन्या उत्थान योजना दे रहा है, जो बच्चे प्लस टू यानी 12th कर लेते हैं उन लड़कियों को जो है कन्या उत्थान, कन्या का मतलब होता है बेटी, उत्थान का मतलब होता है तरक्की योजना यानी स्कीम, ये जो लाया है ताकि बेटियां जो है जो बाल विवाह हो रहा है बेटियों की शादी पहले हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि माँ बाप जो है सक्षम नहीं है उसको पढ़ाने के लिए, उसको और एक्स्ट्रा कोई कोर्स करवाने के लिए और जो है उनकी परवरिश करने के लिए। इसलिए जो है माँ बाप क्या करते हैं कि उसके 18 साल से पहले उसको शादी करवा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सक्षम नहीं है उसको परवरिश करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कन्या उत्थान योजना। उसके बाद जो है एक और है, जब बच्चे फर्ज कर जाते हैं तो उसको प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये दिए जाते हैं। क्यों? ताकि जो है बच्चियां जो है आगे अपना पढ़ाई को जारी कर सके। तो गवर्नमेंट भी जो है महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहा है ताकि महिला एम्पावरमेंट हो। अगर इनकम घर में अगर 20 था तो अगर बेटियां पढ़ेगी वाइफ होगी तो वो इनकम जब बढ़ जाएगा तो घर का तरक्की होगा और खुशहाली होगा। तो महिलाएं का सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है जी यहाँ पर। तो ताज्जुब वाली बात यह है